कारों में देखा जाए काफ़ी बदलाव आया है। आप महिला सुरक्षा से देख लिए, कानून व्यवस्था वगैरह देखिए, और ग्रामीण स्तर पे भी आप देखेंगे तो पहले से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, अपने हिसाब से तो काम अच्छा ही करती सारी सरकार, काम तो अपने हिसाब से सही कर रही है गवर्नमेंट। हाँ, योगी जी, आप योगी जी कह रहे हैं, योगी जी के कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे 2017 के बाद, कितने बदलाव देखे? 2017 के बाद काफ़ी बदलाव देखे, उनका मतलब अटल रूप देखने को मिला, वो काफ़ी प्रभावित किया उससे, मतलब वो निडर होके फैसले लिए उन्होंने, कई निडर होके फैसले लेते हैं। जैसे कि आप कहते थे कानून व्यवस्था बड़ी सुचारू रूप से चल रही है, बोल्ड डिसीजन लेने में बहुत आगे रहे हैं योगी जी हमारे, कई उन्होंने कई बार कई ऐसे डिसीजन है जैसे अपने फादर के डेथ के बाद भी नहीं गए कोविड की वजह से, तो ये एक ऐसा ये स्टेटस एक मैसेज जाता है सरकार का क्राउड में, पब्लिक में, लोगों में। कारों में देखा जाए काफ़ी बदलाव आया है। आप महिला सुरक्षा से देख लिए, कानून व्यवस्था वगैरह देखिए, और ग्रामीण स्तर पे भी आप देखेंगे तो पहले से काफ़ी बेहतर है। एक चीज़ नोटिस की होगी, जब सारे लोग मिलकर किसी एक को घेरने की नोटिस करते तो जनता का भी झुकाव जो अकेला होता है उसकी ओर चला जाता है, वो कहेंगे कि जो जिसकी तरफ कोई नहीं फिर उसकी तरफ जनता भी कुछ झुकाव आएगा ना। बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। अखिलेश जी के तो हम फैन हैं वैसे भी, और काम भी अच्छा सरकार कर रही है, और चाहते हैं कि अखिलेश जी आए, लेकिन ये भी जानते आएंगे नहीं, बिल्कुल परफेक्ट सच बोल रहा, मैं चाहता हूँ कि अखिलेश जी आए। अखिलेश जी आए, हाँ। और ये आप क्या कहेंगे? ये भी यही कहेंगे, नहीं योगी ही आए, अखिलेश का टोटी चुराए वो ना आने वाले, बाकी हम तो चाहते हैं कि अखिलेश जी आए। अच्छा, ये फैन है इसीलिए चाहते हैं कि अखिलेश आए, आप किस लिए चाहते हो कि योगी जी आए? योगी जी देख रहे हैं कि अभी गोरखपुर में जो हुआ, लड़की वीडियो बना रही थी, पिताजी को मार रहे थे कुछ गुंडे, उसको गोली मार दी, चार पाँच दिन बाद वो लड़की ख़त्म हो गई। आज या कल ही हुआ है, वो जो था ऑन स्पॉट उस फैसला हुआ, चार पाँच दिन के अंदर एनकाउंटर मारा गया। हम चाहते हैं जो कानून व्यवस्था है, एक जो डर ख़त्म हुआ है, जो पहले डरते थे गुंडों से, अब वो डर ख़त्म हुआ है। हम चाहते हैं कि योगी जी बार बार आए। हम लोग बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, हमारी बुंदेलखंड में कभी किसी ने कोई पानी वगैरह की व्यवस्था है, कोई हाईवे नहीं, कुछ नहीं दिया था, पिछड़ा एरिया माना जाता था, अभी भी माना जा रहा है, लेकिन पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसके बाद हम लोग को एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिला, लोगों को वहाँ से कंपनियाँ आएंगी, लोग जाना स्टार्ट नहीं कर रहे ज़्यादा, और किसानों को भी अच्छा हो रहा है, मिला है MSP वगैरह, बढ़ोतरी हुई, अभी बढ़ाई गई है MSP रबी फसलों की। जी बिल्कुल, तो योगी ही चाहेंगे, क्योंकि उनका सीधा नारा नाम खाएंगे ना खाने देंगे, तो बस हमारे लिए तो योगी है। एक बात बताइए, आपने कहा बुंदेलखंड से हैं, जिस तरीके से पानी की व्यवस्थाओं को लेकर वहाँ पे काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस सब प्रोजेक्ट जो है पानी के लिए? बहुत बढ़िया चल रहा है, बांध वगैरह बन रहा है, नहरें जो चौड़ीकरण चल रहा है उनका, जल्दी वो भी अच्छा हो जाएगा, तो हम तो फ्यूचर योगी जी भाजपा में ही देख रहे हैं। जी अमन कुमार जी, ये बताइए प्रेजेंट जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, कैसा काम कर रही है? ठीक है, अपने हिसाब से तो काम अच्छा ही करती सारी सरकार, अब हमारा कमेंट करना इससे जरूरी नहीं, लेकिन फिर जनता का कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जनता ही चुनती है, क्या कहेंगे आप? एक काम तो अपने हिसाब से सही कर रही है गवर्नमेंट। हाँ, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में, कितने बदलाव देखे आपने 2017 के बाद? जी देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के मामले में तो स्ट्रिक्ट हुई है सरकार, आपको खुद ही लग रहा होगा, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े भी कम हुए हैं उस हिसाब से, जब हिसाब से ये काम हुए हैं उस हिसाब से, जब इन्होंने जब अपनी सरकार संभाली, जब आप लोगों के खिलाफ जो दंगा करते हैं या फसाद करते हैं तो उनके खिलाफ अगर आप कार्रवाई करते हो तो आप जाहिर सी बात है दंगे कम होंगे, जब आप उनकी प्रॉपर्टी में से चीज़ें वसूलोगे तो वो अपने आप कम कर देंगे, तो इसलिए थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी कम हुआ है, बाकी लखनऊ का विकास भी हो रहा है, देश का विकास तो होगा ही धीरे धीरे, सरकार का विकास भी हो रहा है। अखिलेश यादव भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, आपको भी पता है उनकी भी सरकार थी, अब वो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार है वो नहीं काम कर रही है, गुंडागर्दी फैला रही है। नहीं देखिए, सरकार हर कोई सरकार जब आती है तो यही चाहती है कि हम देश के लिए ही काम करें, चाहे योगी सरकार काम करे, चाहे क्या कहते हैं अखिलेश सरकार काम करे, अब देखिए सब कोई फायदा ही चाहता है कि देश बढ़े आगे, वो लखनऊ यूपी चाहे बढ़ाए, चाहे क्या कहते हैं पूरा देश बढ़ाए, जब आपके राज्य बढ़ेगा तभी आपका देश भी बढ़ेगा, तो कोशिश सबकी यही रहती है कि अच्छा से अच्छा काम करने की ही कोशिश करें। देश की जनता है आप, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, क्या कहेंगे आप, कौन सी सरकार आनी चाहिए 2022 में? देखिए इस पे कमेंट करना मेरा काम नहीं है, देखिए सारे केवल मेरे कह देने से सारे जनता थोड़ी ना चुन लेगी, लेकिन एक एक करके सबका ओपिनियन जरूरी होता है, आपका क्या कहना? ओपिनियन मुंह से नहीं दिया जाता, वोट से ही मायने रखता है, तो वोट से ही समझ में आएगा कि कौन सी सरकार का क्या कहते हैं काम कर रही है, कौन से काम नहीं कर रही है, वही आपको सही बताएगी कि तरीका क्या है, कि मतलब कौन सी सरकार आनी चाहिए, वोट से ही मेन पता। आपको कौन सी सरकार का बढ़िया लगा?
नहीं, काम देखिए, काम सरकार देखिए, आप तो देखेंगे लखनऊ धीरे धीरे डेवलप ही हो रहा है। जब से क्या कहते हैं, हमने जब से देखा है, जब से हमने वोट देना शुरू किया है, तब से मायावती से लेके आज तक जो आई हैं सरकारें, तो मायावती भी आई थी, फिर अखिलेश भी आए, फिर अब यूपी आई, तो धीरे धीरे लखनऊ डेवलप कर रहा है, हमारा शहर डेवलप कर रहा है, तो हमको दोनों हर सरकार सही लग रही, धीरे धीरे डेवलप होता रहे और भी अच्छा हो जाए। कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके का काम कर रही है ये सरकार और पिछली सरकार? देखिए, हम तो इस प्रेजेंट सरकार से खुश हैं कि इस कानून व्यवस्था के लिए, तो इस लिहाज से सरकार सही है, कोई ऐसा कोई खराब नहीं मेरे हिसाब से। क्या नाम है? राजेश यादव। यादव जी जी, अच्छा ये बताइए कैसा काम कर रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में? काम कहाँ हो रहा, काम तो दिख ही नहीं रहा, काम एकदम शून्य है इस सरकार का। आप 5 साल लगभग बीतने के हैं, आप कोई एक काम बता दीजिए जो ये सरकार जिसका शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया हो, कोई एक काम जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे 2022 को लेकर? समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार आनी, बिल्कुल समाजवादी पार्टी। सचिन यादव। सचिन यादव जी, ये बताइए क्या लग रहा है 2022 में चुनाव आने वाले? अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी आएंगे, चलिए इन्होंने कहा अखिलेश यादव जी, आप बताइए। योगी जी। आप योगी जी कह रहे हैं, योगी जी के कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे 2017 के बाद, कितने बदलाव देखे? 2017 के बाद काफ़ी बदलाव देखे, उनका मतलब अटल रूप देखने को मिला, वो काफ़ी प्रभावित किया उससे, मतलब वो निडर होके फैसले लिए उन्होंने, कई निडर होके फैसले लेते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं काम नहीं करती है सरकार, गुंडागर्दी कर रही है। अरे अब सबके अपने अपने विचार हैं, उस पर हम लोग क्या कह सकते हैं। युवा नाराज नहीं है योगी आदित्यनाथ से? अब हम तो नाराज नहीं है, बाकी युवा की पता नहीं, जिसकी पता? जिसकी जैसी अपनी सोच। 2022 में चुनाव आने वाले, क्या लग रहा है? योगी जी, योगी जी। चलिए और लोगों से पूछते हैं। एच की भारती। कहाँ से हैं सर आप? हम गोमती नगर से ही हैं। अच्छा, यही उत्तर प्रदेश से हैं। ये बताइए जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार है, कैसा काम कर रही है? ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा काम। चुनाव भी आने वाले हैं 2022 में, 4.5 साल इस सरकार को भी हो चुके हैं, क्या कहेंगे कौन सी सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। अखिलेश कह रहे हैं उनकी 400 सीटें आएंगी, वो अभी एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके से बदलाव देखे आपने उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद? कानून व्यवस्था ठीक आ रहा है, सिर्फ एडमिशन, बाकी ऑल ओवर ठीक है, बाकी सब ठीक है। मेरा नाम अमित निगम। अमित निगम जी, ये बताइए अभी उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं, जो सरकार है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, क्या कहेंगे उसके बारे में? जी, सरकार ने काम तो देखिए बहुत अच्छा किया है, सरकार ऐसे अच्छे काम सरकार ने बहुत किए हैं, और जितनी पुरानी रही उन सबसे तो हटके अच्छे काम भी किए हैं। अच्छा, आपने कहा कि पुरानी सरकारों से अच्छे काम किए, वो कौन कौन से काम है जिन्होंने आपको प्रभावित किया? देखिए, कुछ तो इनके ऐसे हैं कि जैसे कि आप कहते थे कानून व्यवस्था बड़ी सुचारू रूप से चल रही है, बोल्ड डिसीजन लेने में बहुत आगे रहे हैं योगी जी हमारे, कई उन्होंने कई बार कई ऐसे डिसीजन है, जैसे अपने फादर के डेथ के बाद भी नहीं गए कोविड की वजह से, तो ये एक ऐसा ये स्टेटस एक मैसेज जाता है सरकार का क्राउड में, पब्लिक में, लोगों में, कि भाई जब हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसा करें तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, व्यवस्था में सबसे आगे रहे, उन्होंने नोएडा के डीएम को चेंज कर दिया एक दिन के अंदर, तो ये भी बहुत बोल्ड डिसीजन था उनका, जब वो लताड़ते हैं टिल्लाते हैं तो वो सही बात भी कहते हैं, पर कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लगता है कि जैसे कि अब जैसे उन्होंने पंचायती चुनाव करा दिए, उससे कई डेथें भी हो गई। पंचायत चुनाव के लिए मना किया गया था इनकी तरफ। वही मैं कह रहा हूँ कि मना किया गया था कि फिर भी उन्होंने करवा दिए, उससे बहुत सारी डेथ भी हो गई, बहुत नुकसान भी हुआ, अब जिनके लोग चले गए वो तो अब कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा ये कहना है कि डिसीजन तो उनके अच्छे रहते हैं, और हमारे पास इस समय उनसे बढ़िया ऑप्शन भी फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है। नहीं, अखिलेश कह रहे हैं उनकी 400 सीटें आएंगी, हमने काम किया था। हाँ, तो सकती है मैम, ऐसा कुछ नहीं हो कि हमारे यूपी की राजनीति हमेशा ऐसी रही है, ऐसी रही है। यूपी की राजनीति जाति पर ज्यादा रही है हमारी, तो हम लोग कुछ कह तो नहीं सकते कि जनता जाति पे देखेगी जनता या काम पे देखेगी। काम पे देखना चाहिए, पर हमारे यूपी में ऐसा बहुत कम रहा है, आप देखती रह रही है कि पिछले मायावती ने काम अच्छा किया था लेकिन फिर भी वो नहीं रही, फिर अखिलेश जी आए, फिर अब योगी जी आए, तो काम तो देखना चाहिए जनता को, पर अब देखेगी आपको कौन सा किस सरकार का काम ज्यादा अच्छा लगा? नहीं, मुझे तो योगी जी का काम अच्छा लगा। अच्छा काम। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमर सिंह है। अच्छा, ये बताइए क्या कैसा काम कर रही है योगी सरकार? भैया, हम तो बहन जी के लिए मायावती के लिए चाहते हैं। मायावती के लिए चाहते हैं। अच्छा, अच्छा, लखनऊ को रौनक बनाई है, जो कोई भी सरकार नहीं बना पाएगी आने वाले समय में, वो जनता जो चाहती है उन्हीं के लिए बनाएगी। राम सिंह। राम सिंह जी, ये बताइए सरकार कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश की? सरकार ठीक काम कर रही है। 2017 के बाद कैसे बदलाव किए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में? कुल मिला के ठीक है, लड़ाई दो ही में है, सपा और भाजपा में, और जो है
भाजपा वालों ने भी कुछ बढ़िया काम किए हैं, जैसे मंदिर वाला है, 370 वाला है, बढ़िया काम किए, बढ़िया काम किए। हाँ, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? वो भी ठीक है, मुख्यमंत्री अच्छे हैं, मुख्यमंत्री अच्छे हैं। हाँ, पहले से जो है वो बहुत कम हो गया, अपराध वगैरह जो है बहुत कम हो गया। कम हो गया। शिवम वर्मा। अच्छा शिवम वर्मा जी, ये बताइए आप क्या कहेंगे सरकार के बारे में? भाई अपने हिसाब से सरकार भी सही कर रही है। सही कर रही है जी। सही कर रही है सरकार जी सर। चलिए और लोगों से पूछते हैं, आप उत्तर प्रदेश में हो, जिस तरीके से रोड काम, जिस थोड़े बहुत तो काम दिखते होंगे उसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक काम कर रही है मेरे ख्याल से, तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ पॉलिटिक्स में। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में क्या कहेंगे, बढ़िया हैं। और जो अभी कर रहे हैं कि मथुरा में उन्होंने शराब और मांस वगैरह बैन करा दिया है, मांस और शराब, हाँ तो मैं कहूँगा कि सही किया उन्होंने, जहाँ तक तो हाँ सही काम कर रहे हैं। बाकी जो एक्शन लेना होता है प्राइमरी एक्शन, तो वो भी लेते हैं अपने टाइम टाइम। सही है, चलिए इन्होंने कहा सही है। एक और युवा है, ये भी इनके भाई है, क्या नाम आपका? मैं अनुज पटेल। अच्छा पटेल जी, ये बताइए कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार? अगर काम की बात की जाए तो काम ठीक ठाक चल रहा है। अनुज मिश्रा। अनुज मिश्रा जी, ये बताइए योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? ठीक ही काम कर रहे हैं, जिस तरह देखने से लग रहा है। देखने से लग रहा है नहीं। कहाँ से हैं आप उत्तर प्रदेश में? हम कन्नौज से हैं। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? शुभम दुबे। शुभम दुबे जी, ये बताइए सरकार 2017 के बाद कैसा काम किया है, विकास कार्यों में कितना बदलाव आया? ये विकास कार्यों में देखा जाए काफ़ी बदलाव आया है। आप महिला सुरक्षा से देख लिए, कानून व्यवस्था वगैरह देखिए, और ग्रामीण स्तर पे भी आप देखेंगे तो पहले से काफ़ी बेहतर है। 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, कितने बदलाव देखे आपने सरकार में, दोनों को देखा जाए तो? उनकी सरकार में तो नकल पास वाले जो थे अब वो उतना नहीं है, मतलब अंकुश लगा है, और भी चीज़ें, महिला सुरक्षा भी है, और जो आपने देखा था एक जातिगत जो राजनीति थी यादववाद की, वो चीज़ नहीं है बीजेपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो। अखिलेश कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ तो गुंडई की राजनीति कराते हैं लोग परेशान। नहीं नहीं नहीं, आप उनके राज में देखेंगे अगर अखिलेश के में, तो यादव जितने भी यादव बाहुल्य थे जॉब वगैरह में आप देखेंगे तो वही हैं, और भी चीज़ों में देखेंगे जो भी गुंडागर्दी वगैरह थी तो आप देखेंगे अधिकतर यादव से ही वो सब होता था। आप इससे पहले देखेंगे जो वैकेंसी आई थी ये पुलिस की, उसमें आपको 4-5 डिस्ट्रिक्ट के ही लोग ज़्यादा थे। क्या लगता है 2022 में चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश कह रहे हैं उनकी 400 सीटें आएंगी, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी कहा योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे, ऐसा तो दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके योगी को हराएंगे? मैम आप वो तो समय बताएगा क्या, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि बीजेपी इस बार फिर से रिटर्न करेगी, क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर कोई वंशवाद की राजनीति नहीं है, वहाँ पता चला मुलायम, फिर अखिलेश, फिर उनके बच्चे, फिर यही सब चलेगा, वहाँ योगी जी हैं आगे, फ्यूचर में ये भरोसा नहीं कि योगी जी ही लड़ेंगे, बीजेपी दूसरा चेहरा भी ला सकती है, लेकिन और आप कोई भी पार्टी उठा के देखेंगे उसमें देखेंगे उन्हें मायावती हैं तो बस वही जो हैं बस वही दिखेगा, इसके अलावा यहाँ किसी को भी उठा के कहाँ भी पहुँचा दिया जाए ये कोई भरोसा नहीं है बीजेपी में, तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब अगर पूरी पार्टियों का गठबंधन हो जाता है जिस तरीके से 2019 में भी हमें देखने को मिला था, उस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश भी बोल चुके हैं भाजपा को हराना है, असदुद्दीन ओवैसी का भी कहना है कि हम भाजपा को हराएंगे, अगर गठबंधन होता है तो फ़र्क पड़ेगा? मैम आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब सारे लोग मिलकर किसी एक को घेरने की नोटिस करते तो जनता का भी झुकाव जो अकेला होता है उसकी ओर चला जाता है, वो कहेंगे कि जो जिसकी तरफ कोई नहीं फिर उसकी तरफ जनता भी कुछ झुकाव आएगा ना। हाँ। ये सारी भी चीज़ें हैं, कहते हैं अखिलेश की जनता परेशान है। नहीं मैम वो तो कहने की बात है, अब अखिलेश हैं तो वो कह रहे जनता परेशान, बीजेपी थी तो वो कह रही थी अखिलेश में परेशान, ये तो राजनीतिक पार्टियाँ हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो करेंगे बिल्कुल। अखिलेश की अब अगर कानून प्रशासन की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें, कैसा माहौल था पहले, क्राइम में कमी आई है उत्तर प्रदेश में? क्राइम में काफ़ी कमी आई, और एक जो आप जो पैसा वगैरह जो चलता था वो चीज़ों में कमी हुई है, हाँ करप्शन में काफ़ी कमी हुई है, ये जो कोर एंड कोर है वही चीज़ें लोगों को दिख रही हैं, ये नहीं कि जो सामने कुछ और है वैकेंसी पहले से ही तय हो जाती कि इतने में ये करना है, अब यहाँ जो भी निकला है केवल उसी में ही आप देखेंगे कि जितनी वैकेंसी आई है, अभी आपने टीचिंग की वैकेंसी थी वो सब जितना पूरा प्रोसीजर हुआ है अच्छे से फॉलो हुआ है, अब थोड़ी बहुत तो कमियां सभी सरकारों में रहती हैं, पूरा 100% कोई सही नहीं रह सकता। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में, क्या आपको सच में लगता है कि वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, एक विशेष धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, या फिर किसी से नफरत करते हैं इस तरीके से?
अब देखिए कोई भी योजना लागू होती है उसमें ये नहीं होता है कि हिंदू के लिए लागू है या मुस्लिम के लिए, वो तो सबके लिए लागू होती है कोई भी योजना। अब उसमें ये भी नहीं कि नहीं कि हम मुस्लिम को नहीं देंगे कि हिंदू को ही देंगे, तो उसको अगर नहीं कर सकते सांप्रदायिकता की राजनीति। आप देखेंगे कोई भी कम्युनल राइट नहीं हुई है जब से बीजेपी आई है यहाँ, और जिससे पहले हम देखा कितनी कम्युनल राइट हुई हैं जी। चलिए मैडम ने कुछ कह रही थी, मैम बताइए क्या कह रहे थे आप? नहीं ठीक है, हो गया हो गया। चलिए आप बताइए महिला, चलिए बताइए बताइए, चलिए आप बताइए जी। हमारा नाम शशांक तिवारी है। क्या ऐसा लग रहा है योगी जी का काम? जी हमारा मतलब हमने देखा योगी जी का बहुत अच्छा काम है, और जो सरकारी थे वो बहुत मतलब उनके शासन में हमें बहुत समस्याएं होती थी, लेकिन इनके में कम हुई हैं। इनके में कम हुई हैं। यस मैम। 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें योगी जी की सरकार बनेगी तो बहुत अच्छा होगा, और हम चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार बने, बहुमत से बने।